नहीं तो वोट नहीं, विकास 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 नहीं तो वोट नहीं, उम्र 62 वर्ष है, 62 का हमारा जन्म है। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि 40 वर्षों से मैं लगातार देखता आ रहा हूं। इस गांव को दरकिनारा कर दिया गया। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर जी हैं, शोभा छपरा लक्ष्मण छपरा में उनको घूमने का समय था, लेकिन मठधजुगिरी में नहीं आए। सनातन पांडे जी सपा से खड़ा है, जबकि यहाँ सपा का काफी वोट है। यहीं पर बैठे थे बगल में, जहाँ हम लोग खड़े, यहाँ से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उनकी गाड़ी हरहरा कर निकल गई। धूल उड़ाते हुए यहाँ देते हम लोग रह गए, नहीं रुके। अब बताइए कि स्थिति में हम लोग कैसे वोट कर सकते हैं, जब प्रत्याशी ही नहीं हम लोगों की बात सामने आ रहा है, तो किसको हम लोग वोट दें? पूरे गांव के लोगों ने एकमत होकर के सहमति जगाया है कि हम यहाँ पर वोट नहीं देंगे। कारण है विकास। कैसा विकास? विकास सर, गाँव में शोभा छपरा से लेकर जयप्रकाश नगर जाने वाली रोड में कोई भी, आज 20 साल हो गया, कोई भी नेता यहाँ पर काम नहीं किया। दूसरा है मुद्दा, हमारे गांव में बिजली का जो है कि विस्तार रूप से मैंने वहां पर बिछाया नहीं गया है हर जगह। या 75 साल देश आजाद हो गया, अभी तक वहां पर उस प्राथमिक विद्यालय है वहां पर लाइट नहीं गया है। वहां पर बच्चों को जाने में बरसात में मौसम में बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते हैं। जो भी यहाँ के हमारे गाँव के पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी पैसे वाले हैं, गांव छोड़कर भाग जा रहे हैं, इसी कारण कि बच्चे उनके पढ़ने नहीं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये चीज हम लोग जयप्रकाश अंचल जी को भी बताया और क्या बोलते हैं मस्त जी को भी बताया, उसके बाद से जो ग्राम प्रधान है हमारे गांव के सभी लोगों ने बताया, लेकिन किसी की बात नहीं ये लोग सुन रहे हैं। आज 20 साल से हम लोग इसमें भुगत रहे हैं इस चीज को। क्या कारण है? कारण है कि हमारे गाँव में वो लोग सोच आते ही नहीं है, वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। चाहे बीजेपी का हो, चाहे क्या बोलते हैं सपा का हो, चाहे बहुजन का हो, किसी भी पार्टी वाले वोट मांगने नहीं आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सपा वाले सपा का वोट दे देंगे, बहुजन वाले बहुजन को दे देंगे, बीजेपी वाले बीजेपी को दे देंगे। जाना क्या है उस गांव में? उस गांव में विकास नहीं करना है। हरजन की बस्ती है, यादव की बस्ती है, मजदूर है, वो क्या कर लेंगे? कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये शब्द बोले हैं। जयप्रकाश अंचल जी के पास मैंने टेस्ट फार्मा के लिए गया था, उन्होंने कहा कि हमारे निधि में पैसा नहीं है कि टेस्फार्मा तुम्हारे गांव में लगवाएंगे। हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर टेस्फार्मा है, जो कि यहां पर बिजली बहुत कम मात्रा में आती है, जो कि 150 से 100 के अंदर में बिजली आती है, जिससे कि किसी का पंखा या बिजली का किसी का उपयोग नहीं। अभी हमारा यही मुद्दा है कि जब तक हमारे गांव में बिजली का विस्तार अच्छा से नहीं होगा, जब तक हमारे गांव में नेता जो गलती किए हैं क्षमा मांगने नहीं आएंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई गांव का एक भी व्यक्ति वोट नहीं देगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि हमारी सत्ता नहीं है। जयप्रकाश अंचल जी ने, हम आपके मीडिया के माध्यम से अखिलेश जी को और क्या बोलते हैं योगी जी को पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सांसद और विधायक हुआ है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बहुजन का, किसी ने काम एक पॉइंट भी नहीं किया है। हमारे गाँव ने पूरे इस चीज को सहमति जगाया है कि हम लोग इसी कारण किसी को वोट नहीं दे रहे।